जो क्लास में चैप्टर चालू भी होगा और लास्ट तक आपका चैप्टर खत्म भी होगा यानी आज ही चैप्टर आपका फाइनली ये पूरा भी होगा वेक्टर ठीक है तो वेक्टर की आज वन सौट क्लास है और इस वन शॉर्ट क्लास में थंबनेल पर देख करके केवल नर्सिंग नीट एम्स वाले ही बच्चे ना जुड़े मैं कहूंगा लैब असिस्टेंट का स्टूडेंट भी इसमें जुड़े लैब असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है लेकिन लैब असिस्टेंट के सिलेबस में जो इलेवंथ और ट्वेल्थ का है उसमें भी आपको ये काम आएगा वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो साइंस में उसको ये टॉपिक आना चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स का नहीं है ये है आपका एक बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक ठीक है और इस बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक में आपको जो है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और कैसे वैक्टर का मैग्नीट्यूड कौन सी वैक्टर क्वांटिटी होती है कौन सी स्केलर यह सब पता होना चाहिए चाहे का आप कोई भी चैप्टर पढ़े चाहे बारहवीं का आप कोई भी चैप्टर पढ़े इस वेक्टर का उपयोग हर चैप्टर में होता है इसलिए हर स्टूडेंट इसमें जुड़ेगा चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो चाहे नीट का हो चाहे एम्स का हो चाहे नर्सिंग का हो नर्सिंग के किसी भी स्टेट का हो तो एक बार सभी लोग एक बार इसको शेयर कर देंगे क्लास को ठीक है देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है हर्ष गुजर रानी अशोक गुजर सारिका कल्पना मौसम बिल्कुल ठीक है अनीशा अंकित कुमार सभी का स्वागत है नाम लेना सभी का संभव नहीं है क्योंकि मुझे चैप्टर चालू करना है इसलिए एक बार सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों में पहुंचाएंगे ये वन शॉट क्लास है और जो आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्लास क्योंकि उनकी एग्जाम नजदीक ही है और वन शॉर्ट क्लास उनको कहां मिलती है देखने को तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वैक्टर की क्लास को देखते हैं साहब तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी की हाँ जी सबसे पहले यहां सर शुरू यहां से शुरुआत होती है आपकी कि भौतिक राशि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक है उसके बाद लाजवाब क्वेश्चन तक अपन जाने वाले आज क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इसी में साथ में ठीक है तो बिल्कुल सभी का स्वागत है कुमार मदन दीपिका सरोज बहुत बढ़िया अंकित कुमार पूजा कुमावत बिल्कुल बिल्कुल शेयर करो भाई आप सेंचुरी मारो ये कारवा चलता रहना चाहिए लाइक शेयर करने का तो सबसे पहले भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है तो फिजिकल क्वांटिटी आर दो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड है ना जिन्हें मापा या तोला जा सकता है उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि है ना क्वांटिटी क्वांटिटी इज नॉन एज बाई चलेगी भाई क्लास ना इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी और नोट्स भी आप साथ में बना सकते हो यानी ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है या तोला जा सकता है और फिजिक्स में हम जितनी भी क्वांटिटीज की बात करते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी है क्यों सभी को मेजर कर सकते हैं अपन सबका मेजरमेंट कर सकते हैं ठीक है सर शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा अरे ऐसे क्यों डरते हो रहे कंपटीशन से हाँ शेयर करोगे तो कंपटीशन बढ़ेगा तो ज़्यादा जो है आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ये बात बिल्कुल सर्वथा उचित है लेकिन बेटा एक बात और ध्यान रख लेना ज्ञान बांटने से बढ़ता है जितनी उदारता दिखाओगे उतना ही ऊपर वाला भी भला करता है ठीक है चलिए देखते हैं तो आप द्रव्यमान है, है, है तो ये अपनी फिजिकल क्वांटिटी होती है अब फिजिकल क्वांटिटी आपकी जर्नली अपन ने दो आ, भागों में बांटी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक डेराइड फिजिकल क्वांटिटी एक मूलभूत भौतिक राशि और एक आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे है ना फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के रूप में किस प्रकार से वर्गीकृत किया उसकी चर्चा हम आज करेंगे ठीक है तो फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको क्लासिफाई किया गया इसको क्लासिफाई क्लासिफाई किया गया आपके जर्नली दो में किया लेकिन बुक में बुक में आपके तीन लिखे होते हैं कई टीचर भी तीन पढ़ाते हैं जर्नली तो अपन स्केलर और वेक्टर दो जानते हैं अधिश राशि स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आपकी वेक्टर यानी कि राशि ठीक है कई बुकों में कई टीचर भी इसको तीसरा एक पार्ट और बना दिया गया वो था इसका टेंसर टेंसर क्वांटिटी बताऊंगा मैं भी लेकिन जनरली टेंसर क्वांटिटीज को अपन स्केलर स्केलर में मानते हैं हिंदी में इसको प्रदिश राशियां कहते हैं इनको बताएंगे लेकिन टेंसर को जर्नली हम किसमें ही मान लेते हैं बेटा प्रदिश को किसमें मान लेते हैं स्केलर यानी कि अदिश में मान लेते हैं बिल्कुल वेक्टर स्केलर एंड टेंसर बिल्कुल टेंशन नहीं बेटा अरे नरेशु टेंशन कहा ले रहा है तू ठीक है चलिए भाई शेयरिंग कर दीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं तो तीन भागों में बांटा गया स्केलर वेक्टर और टेंसर समझ में आ गई बात टेंसर को जनरली स्केलर में व्यक्त करते हैं अब सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी बेटा किसकी स्केलर की ठीक है नोट्स अगर आपके रह भी जाए कुछ तो टेंशन मत करना ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब आपके पास पहुंच जाएगा ये सारी स्लाइड सेव होकर के आपके पास पहुंच जाएगी ठीक है सबसे पहले बात करेंगे अदिश राशि की क्या होती है अधिश राशिया ठीक है अधिश राशि क्या होती है तो हम जर्नली कहते हैं अधिस राशि सब लोग जानते हो क्या कहोगे कि केवल जिनमें मैग्नीट्यूड होता है केवल जिनमें परिमाण होता है जिनमें केवल परिमाण होता है वो अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है ठीक है जिनकी डायरेक्शन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती दिशा पर कोई निर्भरता नहीं होती है बिल्कुल भावना हेलो ठीक है जुड़ते रहिए थोड़ा सा कमेंट की तरफ कम फोकस रखूंगा लेकिन सभी बच्चे ध्यान से पढ़े आज मजा ही आ जाने वाला है आप लोगों को ठीक है तो अधिश राशियां क्या होती है ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है जिनमें केवल परिमाण होता है परिमाण होता है दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड हाँ जी those quantity which have only magnitude those quantity which have only magnitude and does not depend on direction and does not depend on direction ठीक है जिनकी दिशा पर कोई निर्भरता नहीं होती जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है केवल मैग्निट्यूड होता है केवल परिमाण होता है ठीक है समझ में आ गई बात चलिए बिल्कुल मनीषा सिखा देंगे बीमा निकालना भी सिखा देंगे बेटा जुड़े रहो इस चैनल से सब कुछ सीख जाओगे सर लैब चैप्टर चे, चे, लैब असिस्टेंट में भी है ना बिल्कुल बेटा लैब असिस्टेंट वालों को भी पढ़ना है ये मैं कह रहा हूं साइंस की फील्ड की कोई भी एग्जाम आप देते हो जिसमें फिजिक्स आती है चाहे 11th की आए चाहे ट्वेल्थ की आए चाहे दोनों की आए उस बच्चे को वैक्टर जरूर आने चाहिए अगर उसको नहीं आते तो देन उसको वो कंपटीशन में जो है उसको प्रॉब्लम होगी होगी क्योंकि हर चैप्टर में वैक्टर से रिलेटेड चीजें आती है है ना तो इसलिए बिल्कुल ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल है सभी को जुड़ना है ठीक है बिल्कुल टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे सब कुछ मिलेगा तुम पढ़ो आराम से शेयरिंग जरूर करो और अच्छे से करो शेयरिंग ठीक है तो दो मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन इज एज स्केलर क्वांटिटी हाँ जी क्लियर है अब कई बच्चे तो इसमें भी बिल्कुल जीरो से जीरो से से चालू हैं पढ़ाएंगे बिल्कुल कई तो बच्चे यही नहीं समझ पाते सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ये परिमाण क्या होता है परिमाण हाँ जी ठीक है तो मैंने लिखा एफ बराबर दस न्यूटन जी

बेटा कैसे मास अगर स्केलर में जैसे मैं बात करूं मास ठीक है एग्जाम्पल में बात करूं तो मास मास बोले तो द्रव्यमान द्रव्यमान अधिश राशि है द्रव्यमान राशि है क्यों भाई क्यों इसकी कोई डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी होती है हाँ होता है ऐसा कुछ कि भैया द्रव्यमान जो है पूर्व की तरफ ज्यादा होगा पश्चिम की तरफ कम होगा उत्तर की तरफ तो होगा ही नहीं दक्षिण की तरफ हो सकता छोटा छोटा हो होता है क्या ऐसा हाँ जी मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना सभी दिशाओं में होता है कोई डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं है इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसमें जैसे टाइम समय समय की कोई निर्भरता होती है कि दिशा पर कि पूरब दिशा की तरफ चलेंगे घड़ी को लेकर के तेज चलने लग जाएगी पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे हाँ जी तो वही धीरे धीरे चलने लग जाएगी ऐसा कुछ होता है बिल्कुल नहीं होता ठीक है कह रही है आपके फेस पे शायद कुछ लगा हुआ है तू मेरे फेस पे ध्यान कम दे बेटा फिजिक्स पे ज्यादा दे और मेरे फेस पर केवल और केवल तेज दिखेगा और वो फिजिक्स का तेज दिखता है हाँ जी तो फिजिक्स है ना उसका ग्लो दिखता है उसका तेज दिखता है मेरे चेहरे पे ठीक है बाकी इधर ध्यान दे बेटा हाँ जी तो मास हो गया टाइम हो गया अब ये तो सब लोग जानते हैं लेकिन इसमें एक जो कंफ्यूजन आता है वो मैं जैसे लिखता हूं दाव दाव है? प्रेशर प्रेशर एक तो बच्चा इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होता है और एक कंफ्यूज होता है करंट को लेकर के धारा करंट को लेकर के धारा को लेकर के बात समझ में आ गई ये दो चीजों के लिए स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इन दोनों का कारण मैं बताऊंगा कि इनको स्केलर में क्यों मानते हैं इसको स्केलर में क्यों मानते हैं ठीक है इधर और बात करें तो इधर स्पीड आ जाएगा आपका ठीक है चाल आ जाएगी ठीक है एक्सेट्रा लिख देते बस ठीक है अब देखो साहब प्रेशर प्रेशर पर बच्चा जनरली कंफ्यूज हो जाता है कि इसको स्केलर में क्यों लिया और करंट को स्केलर में क्यों लिया ठीक है तो उसका सबसे पहले मैं प्रेशर के बारे में बताता हूं कि इसको स्केलर क्यों मानते हैं प्रेशर का कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका ठीक है तो बेटा देखो दाब दाब जो है प्रेशर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल अब आप अगर पढ़े हुए हो आपको थोड़ा भी पता हो तो फोर्स आपकी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ये सदिश में आएगी अभी मैं लिखवाऊंगा आपको और ये जो एरिया है एरिया क्षेत्रफल बेटा ये भी सदिश राशि होती है ध्यान रख लेना कई बच्चों को पता ना हो कई स्टूडेंट को पता ना हो तो ध्यान रख लेना एरिया इज ए वैक्टर क्वांटिटी क्षेत्रफल भी जो है वो आपकी कैसी होती है सदिश राशि होती तो फिर दिमाग में एक बात आती है ठीक है दिमाग में एक बात आती है वो बात क्या आती है कि सर जब ये दोनों सदिश है तो फिर ये स्केलर कैसे है जी जब ये दोनों सदिश है तो फिर प्रेशर स्केलर क्यों है यहां जाकर के स्टूडेंट कंफ्यूज होता है यहां जाकर के स्टूडेंट क्या हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है कि फोर्स एंड एरिया आर ए वैक्टर क्वांटिटी देन वाई प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी ये क्यों है अदिश में तो उसका कारण सुनिए इसका कारण क्या है बेटा इसका कारण है पास्कल का नियम इसका कारण क्या है पास्कल का नियम है पास्कल का नियम है पास्कल लो। ड्यू टू लो। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी अब आप कहोगे सर पास्कल नियम में ऐसा क्या कहा गया है जिसके कारण से प्रेशर को स्केलर में माना गया है अधिश में माना गया है बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग है ठीक है लेकिन थोड़ा सा कमेंट की तरफ मेरा कम ध्यान रहेगा क्योंकि पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान रखना है और आज ही इस चैप्टर को खत्म भी करना है तो कोई भी बच्चा बिल्कुल जो है बुरा नहीं माने कि सर ने आज मेरा नाम नहीं लिया ये नहीं लिया और जो आपके डाउट होंगे उनको मैं देख लूंगा वो सारे आपको मैं बता दूंगा ठीक है बाकी सभी को गुड इवनिंग है ठीक है चलिए अब आ जाइए टॉपिक पे तो पास्कल का नियम ये जो पास्कल का नियम है ये ऐसा क्या कहता है जिससे प्रेशर को स्केलर कहा गया है तो वो कारण सुनिए पास्कल भाई साहब ने ये कहा था पास्कल भाई साहब ने कहा था कि जो प्रेशर है प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी कंटेनर यानी कि पात्र की सभी दीवारों में जो दाव है वो एक समान रूप से लगता है नहीं आया गुरु जी समझ में हमारे तो क्या बोल दिया आपने आपने इंग्लिश में भी तेजी से बोल दिया और हिंदी में भी तेजी से बोल दिया क्योंकि आपका ट्रांसलेटर तेज चल रहा है ठीक है तो इधर समझिए बेटा ये, ये कंटेनर है कंटेनर का मतलब एक सिलेंडर मान सकते हो आप जैसे ये सिलेंडर हो गया आपका कंटेनर नहीं समझ रहे तो सिलेंडर समझ लो ठीक है ये पिस्टन हो गया बेटा ये पिस्टन हो गया आपका ठीक है सब जानते हो पिस्टन तो अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैंने कह दिया ए कितना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है और इस पर मैंने फोर्स लगाया क्या बेटा एफ इस पर फोर्स लगाया मैंने एफ ठीक है इस पिस्टन पर अंदर की तरफ एफ बल लगाया क्या लगाया बेटा अंदर की तरफ इस पर एफ फोर्स लगाया जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा एफ तो यहां पर कितना प्रेशर जनरेट होगा यहां पर पिस्टन से प्रेशर जनरेट होगा एफ अपॉन ए कितना जनरेट होगा बेटा एफ अपॉन ए और कंटेनर में क्या भरी हुई है गैस भरी हुई है तो पास्कल भाई साहब ने ये कहा था कि जितना प्रेशर जनरेट हो रहा है ना बेटा एफ अपॉन ए ये इस कंटेनर की सभी बॉल्स पर सभी बॉल्स पर या सभी बिंदुओं पर ईच पॉइंट पर ठीक है सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से लगेगा मतलब इधर भी एफ अपॉन ए लगेगा यहां भी एफ अपोन ए लगेगा यहाँ भी एफ एपोन ए लगेगा यहाँ भी एफ अपन ए लगेगा ठीक है यहां भी बीच में भी एफ अपन ए लगेगा मतलब ये जो प्रेशर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दी सिलेंडर और कंटेनर बात समझ में आ गई बिल्कुल सागर गुड इवनिंग ठीक है बात समझ में आ गई सबको तो जब प्रेशर एक समान रूप से लग रहा है चारों दिशाओं में सभी जगहों पर प्रेशर एक समान रूप से लग रहा है इसका मतलब दाब की किसी दिशा हाँ प्रेशर डिपेंड है क्या किसी पर? तो नहीं हुआ कि लग रहा था अगर पास्कल का नियम ये बात कह रहा है और ये बात आप प्रैक्टिकली देखते हो आपके घर में जो सिलेंडर रखा हुआ है उसमें पिस्टन पर से जो प्रेशर आप लगाते हो और गैस बाहर आती है आती है ना बेटा उस टाइम जो प्रेशर जनरेट होता है वो इस कंटेनर उस सिलेंडर के सभी वॉल्स पर सभी बिंदुओं पर सभी पॉइंट्स पर एक समान रूप का लगता है अगर एक तरफ ज्यादा लग लग जाए जाए एक तरफ कम लग जाए, देन देयर विल बी ए प्रेशर डिफरेंस वहां एक दावांतर उत्पन्न हो जाएगा देयर विल बी ए प्रेशर डिफरेंस और आपको पता है जब भी प्रेशर डिफरेंस आता है जब भी दावातर उत्पन्न होता है तो एक फोर्स जनरेट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक फोर्स जनरेट होता है अगर सिलेंडर में दावांतर हो प्रेशर डिफरेंस हो तो उस टाइम पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स लगेगा तो सिलेंडर फट जाएगा सिलेंडर फट जाएगा बेटा लेकिन ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता क्यों अकॉर्डिंग टू पास्कल पासकलिंग समझ में आ गई बात क्लियर है तो प्रेशर की किसी सर्टेन डायरेक्शन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है प्रेशर की सर्टेन डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं है इसलिए प्रेशर को किस में दिया गया स्केलर में कहा गया कारण समझ में आ गया क्यों मैंने बोला था कि पास्कल के नियम अनुसार दाब एक अधिश राशि होती है अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आया नहीं आया कारण ये वो चीजें हैं जो बच्चा नहीं जानता जो नहीं जानता उसी को बताऊंगा जो जानते हो उसको फटाफट से आगे बढ़ेंगे उस पर ठीक है बिल्कुल ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शाबाश लगे रहो लाइक शेयर करते रहो और बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया एक है, अभी तो शुरुआत हुई अभी तो पहला कारण मैंने बताया है अभी तो आगे आगे देखो और क्या क्या के कारण बताता हूँ ठीक है अभी ऐसी ही बात करंट पे भी करने वाले हैं क्या ये बात क्लियर है सबको कि प्रेशर को किस तरीके से स्केलर कहा गया है यस सर यस सर यस सर बहुत बढ़िया अंकित कुमार प्रिया चौधरी केलम सारिका बिल्कुल बहुत बढ़िया आवास स्टडी बहुत बढ़िया क्लियर चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आती है बात दूसरी सदिश राशि की किसकी बेटा सदिश राशि की वेक्टर क्वांटिटी की यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन दी वेक्टर क्वांटिटी मैं अगर आपसे पूछूं तो बताओ जी बताओ डिफाइन दी वैक्टर क्वांटिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे हाँ जी तो बच्चा वैक्टर का मतलब केवल दो चीज जानता है वैक्टर का मतलब वो दो बात कहता है सर सर एक तो मैग्नीट्यूड हाँ जी एक तो मैग्नीट्यूड और सर एक दूसरी बात और बता देते हैं हम आपको दिशा ये दो बात बोलता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ज इक्वल टू वैक्टर सीधा सीधा वो ये समझता है सीधा सीधा ये समझता है ठीक है देखो हर्ष ने कहा सर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं बिल्कुल हर बच्चा यही कहेगा कि सर सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तो जो बच्चा अगर इस बात को बोलता है हाँ देख लो अंकित कुमार ने बोला द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बहुत बढ़िया हर बच्चा हर स्टूडेंट मुझे अभी डेफिनेशन में यही भेजेगा सर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वैक्टर तो मैं उन सभी स्टूडेंटों से एक बात पूछना चाहूंगा एक बात पूछना चाहूंगा बेटा ध्यान से देखना इधर एक बात का आंसर करना अब ये एक रेजिस्टेंस है ये एक प्रतिरोध है इस प्रतिरोध को मैंने बेटा एक बैटरी से जोड़ दिया ठीक है एक सेल से या बैटरी से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ठीक है जैसे ही मैं इस रेजिस्टेंस को एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा या सेल से कनेक्ट करूंगा करंट फ्लो होगी बिल्कुल होगी ये लो करंट की डायरेक्शन भी होगी बिल्कुल होगी सर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो दोनों तरीके से बोलेंगे या तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में या फिर जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ये बोलेंगे ठीक है तो भाई साहब यहां से करंट फ्लो हुई हाँ जी डायरेक्शन होगी होगी साथ में कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा मैंने कह दिया मान लो दो मिलियमपियर की करंट फ्लो हो रही है ठीक है

तो कह देते हो तो फिर मुझे बता दो कि धारा फिर बेटा सदिश क्यों नहीं है करंट जो है वो आपकी स्केलर में क्यों डाली गई है इसको वेक्टर क्यों नहीं कहा गया है? दिमाग के घोड़े भूले थोड़े से हाँ जी भुले बिल्कुल मौसम ने कहा समांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करे ओके सारिका ने बोला लोगों को वही करे बहुत बढ़िया बिल्कुल बेटा बिल्कुल तो बेटा अब जो भी स्टूडेंट ये बात बोलता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वैक्टर नहीं बेटा इसमें तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी बताना आप पहली प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड होना चाहिए दूसरा डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होना चाहिए तीसरा ओवेदी वैक्टर एडिशन लॉ ओवेदी वैक्टर एडिशन लॉ ये भी ध्यान रखना सदिश योग के नियम का भी पालन होना चाहिए सदिश योग के नियम का योग के नियम का पालन होना चाहिए जो अपन पढ़ते हैं वेक्टर में वेक्टर एडिशन लॉ जो आपके ट्राइंगल लॉ पैलोग्राम लॉ है उनका भी पालन करे योग के नियम का भी पालन करे तीसरी प्रॉपर्टी ये भी ध्यान रखनी है अगर ये बात नहीं बोलोगे ये बात नहीं बोलोगे ओवेदी वेक्टर एडिशन लॉ तो फिर करंट भी भाई साहब वैक्टर में आएगी स्केलर नहीं कह सकते तो जनरली स्टूडेंट दो बात बोलता है गलत है तीसरी प्रॉपर्टी भी आपको बतानी है कि ओवे वेक्टर एडिशन लॉ ड्यू टू क्रिस्ट लो लो क्रिस्टो लो जो है अपना आ, उसके अकॉर्डिंग ये वेक्टर एडिशन लो को ओवे नहीं करता इस बात को मैं आगे प्रूव कर दूंगा जब मैं वैक्टर एडिशन लॉ अभी पढ़ा रहा हूँ तब ठीक है तो क्रिस्टो नियम के कारण जो है वैक्टर एडिशन लो को करंट ओवे नहीं करती है और इस कारण से दो प्रॉपर्टी इसमें है लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी नहीं है इस कारण से करंट को स्केलर कहा गया अदिश कहा गया यस सर ओके सर जी सर बिल्कुल बिल्कुल जिनको गलत ध्यान था अब करेक्ट कर लेना तो तीसरी प्रॉपर्टी आपको वेक्टर में पता होनी चाहिए ओवेदी वैक्टर एडिशन लॉ क्लियर है लाइक शेयर करते रहो इसको हाफ सेंचुरी के पार फेंको फटाफट से ठीक है ताकि और नई नई चीजें तो धारा का पता चल गया आपको प्रेशर का पता चल गया अब देखिए वेक्टर हो गई स्केलर हो गई अब बात करते हैं अब इसमें देखो एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो एग्जाम्पल तो आप भी जानते हो सब पता है आप लोगों को ये एग्जाम्पल तो सबको पता है वेग हो गया वेलोसिटी हो गई एक्सिलेशन त्वरण हो गया बेटा फोर्स हो गया ठीक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ठीक है कई सारे हो गए ये तो कितना लिखेंगे अपन कितनी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे तो इसलिए इनकी तो आगे अपन चर्चा करते रहते हैं हर चैप्टर में कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है बस मीनिंग पता होना चाहिए बिल्कुल नीरू यादव गुड इवनिंग बिल्कुल चलिए साहब सबको मजा आ गया बहुत बढ़िया हैप्पी रिपब्लिक डे आज कौन सा रिपब्लिक डे बेटा ठीक है कल है चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन टेंसर की किसकी बात करते हैं बेटा टेंसर तीसरी कई विद्वान पुरुषों ने कई विद्वान पुरुषों ने वैक्टर और स्केलर के अलावा तीसरी और बता दी प्रदिश ठीक है और इसके लिए जब आप बुक में पढ़ने जाते हो तो भाई साहब दो लाइन लिखी मिलती है एक लाइन आपको लिखी मिलेगी कि ये न तो अधिश होती है न सदिश होती है ठीक है ये क्या कहते हैं कि ना तो ये अधिश होती है और ना सदिश होती है ना तो ये वेक्टर है ना स्केलर तो वो तो पता ही है जब दोनों ही नहीं है जब तो तीसरी अलग से पढ़ा रहे का तो कोई मतलब नहीं है लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो प्रॉपर्टी क्या बताई गई है वो प्रॉपर्टी ये बताई गई है इसकी क्या कि इनका जो परिमाण होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इनका जो परिमाण होता है वो दिशा के साथ दिशा के साथ लगातार बदलता है केवल की पॉइंट लिखूंगा बस लगातार बदलता है यह कहा जाता है ठीक है इनके लिए क्या बात कही गई है कि इनका जो मैग्निट्यूड है मैग्नीट्यूड चेंज चेंज विद टू डायरेक्शन इनका जो परिमाण है वो दिशा के साथ लगातार बदलता है अब ये लाइन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी तो इसका एग्जाम्पल जब आप देखते हो तो इसका एग्जाम्पल मिलता है तो आघूर्ण इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मिलता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है आपको स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल ठीक है एक्सेट्रा तो यहां पर कैसे मैग्नीट्यूड बदलता उस बात को समझिएगा दड़तवागुण में कल भी क्लास होगी ना वो सब अपन बात कर लेंगे आगे चल करके ठीक है बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल अंकित कुमार बहुत बढ़िया शाबाश बेटा सर डेली क्लास कराओ ना डेली क्लास ही तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ मनीषा रोज ही चल रही है यार यूट्यूब पे किसी दिन क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी दिन जो है थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और क्या करूँ ठीक है चलिए और बाकी की डेली क्लास के लिए आप ऐप से जुड़ सकते हो वहाँ तो सब कुछ है सदिश योग नियम क्या बेटा आ रहा हूँ बेटा आ रहा हूँ आगे इसी पे आ रहा हूँ रुक जाओ ठीक है देखिए इधर अब यहां पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ लगातार बदलता है इस बात का मतलब क्या है अगर आप थोड़ा बहुत भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जानते हो जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है है ठीक यहां पर ये इसकी रोटेशनल एक्सिस हो गई घूर्णन अक्ष हो गई घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अगर अपन जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे आई से जिसको रिप्रेजेंट करते हो तो इसका फॉर्मूला पढ़ते हो एम आर स्क्वायर जैसे ये कोई पार्टिकल है एम मास का और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी रोटेशनल एक्सिस जो है यानी घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो आर है तो यहां पर बेटा ये आई जो है इस आर के अकॉर्डिंग लगातार चेंज होता है आई जो है वो आर के अनुसार लगातार चेंज होता है मतलब परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी रोटेशनल एक्सिस इसके अकॉर्डिंग लगातार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहता है तो इसका मैग्नीट्यूड दिशा के साथ लगातार बदलता है ठीक है स्ट्रेस में भी सेम चीज है हाँ जी डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर जब होता तो होता force, चेंज होता है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स चेंज होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतराणविक आकर्षण चेंज होता है तो स्ट्रेस भी चेंज होती है प्रतिबल चेंज होता है क्यों प्रतिवल इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इन पर यूनिट एरिया एकांक क्षेत्र में अंतराण्विक आकर्षण बल ही होता है प्रतिबल हमारा तो अगर डिस्टेंस चेंज होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर देन क्या होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स चेंज होता है और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अंतरणविक आकर्षण बल जब चेंज होता है तो उस टाइम पर प्रतिबल भी यानी स्ट्रेस भी हमारा चेंज हो जाता है इस कारण से यहां पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ लगातार बदलता है डिस्टेंस के साथ लगातार बदलता है इसलिए इन्हें टेंसर क्वांटिटीज कह दिया गया समझ में आ गई बात सर लैब की जगह सेकेंड ग्रेड का बेस्ट दे दो ना बेटा इन सब के लिए दिनेश सर से बात कर लिया करो आप ठीक है हाँ जी कर लेना बेटा बात देने इस सर से एक बार ठीक है चलिए भैया अलवर में कहाँ से हो मैं यहाँ से हूँ मैं वहाँ से हूँ ये लबी डबी मत करो पढ़ने पर ध्यान दो है ना इधर देखो तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ हो गई अपनी एक बच्चे ने अभी मैंने देखा कमेंट में लिख रखा था सर करेंट को भी तो टेंसर कह सकते हैं कैसे कह सकते हो बेटा करेंट को क्या करेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है कभी हाँ ऐसे डायरेक्शन से चेंज हो जाता है क्या कि करंट किसी बायर में जा रही है आपने एक बायर ऐसे स्ट्रेट लगाया फिर ऐसे पैरल टू दी हॉरिजॉन्टल लगा दिया आपने तो क्या करंट पहले ऐसे इधर तो पांच एम्पियर की फ्लो हो रही थी फिर मुड़ी ना तो कम हो गई करंट और उसके बाद चार एम्पियर फ्लो होने लग गया ऐसा होता है कि बेटा नहीं होता मैग्नीट्यूड का भी चेंज होता देखा है करंट का ऐसे चेंज होता देखा है कि डायरेक्शन ऐसे जा रही थी तो पांच एम्पियर इधर की तरफ गई ठीक है तो वो चार एम्पियर रह गई ऐसे थोड़ी होता है बेटा ऐसे नहीं होता ना

अगर आपके एग्जाम में प्रदिश नहीं दिया गया है टेंसर नहीं दिया गया है तो आप इसको स्केलर मानेंगे और यदि इसको आपके दिया दिया गया है टेंसर दिया हुआ है टेंसर टेंसर हुआ तो आप टेंसर पर टिक करेंगे ये बात दोनों ध्यान रख लेना ठीक है बांद्रा से प्रणाम गुरु जी धन्यवाद खाकी लवर ठीक है चलिए बिल्कुल मनीषा गुड इवनिंग चलिए लाइक शेयर करते रहो और जो बच्चा आएगा और जाएगा वो कुछ ही नहीं, नहीं सीख पाएगा लास्ट तक बने रहना ना क्योंकि क्लास में हर तरीके के टॉपिक आएंगे ईजी भी आएंगे तो टफ टॉपिक भी आएंगे लास्ट तक बने रहोगे पूरा चैप्टर एक साथ हो जाएगा ठीक है ठीक है अंकित कुमार हाँ ये क्वेश्चन किस में आ सकता है बी सी सी में आ सकता है कि सर बेटा देख क्वेश्चन तो कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है कई बार हम लल्लू सवाल भी गलत करके आ जाते हैं लल्लू सवाल जो दुनिया ये मानती है कि ये तो सब लोग जानते ही होंगे वो भी गलत करके आ जाते हैं इसलिए पूरा सीखना हमें बेसिक टू हायर लेवल एडवांस लेवल सर डेली क्लास करना प्लीज बिल्कुल डेली करेंगे ठीक है सर हमें तो स्केलर ही पढ़ाया गया था नहीं बेटा टेंसर भी होती है अगर ऑप्शन में टेंसर हो तो टेंसर करना और टेंसर नहीं दे रखा हो तो फिर स्केलर करना ठीक है यहां तक बात क्लियर ये क्लासिफिकेशन हो गया फिजिकल क्वांटिटी का अब हम सीधे सीधे इस चैप्टर के अधीन बात करने वाले ओनली वैक्टर क्वांटिटीज की तो हम चलते हैं अब वैक्टर की ओर ठीक है चलिए चलिए अब हम चलते हैं वैक्टर की ओर तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर पढ़िए आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर जल्दी जल्दी से हल्के हल्के टॉपिक है इनको कवर करेंगे ठीक है सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सदिश का निरूपण सब लोग जानते हो वैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एरो ठीक है तीर के निशान से इसको प्रदर्शित किया जाता है वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एरो एरो से प्रदर्शित करते हैं जैसे मैंने ये एरो बनाया ये ये जो है ये हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और उसमें उसमें ये क्या है जैसे ये जो इसका हेड है इसका जो शीर्ष होगा बेटा इसका ये जो हेड है यानी कि ये जो शीर्ष होगा ये किसको दिखाता है ये दिखाता है डायरेक्शन को ये किसको दिखाता है बेटा दिशा को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर में वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल ऑफ एरो इन हेड ऑफ एरो इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड द लेंथ ऑफ एरो एंड द लेंथ ऑफ एरो इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ये जो लेंथ है इस एरो की जो लंबाई है तीर के निशान की जो लंबाई होगी ये किसको दिखाएगी बेटा आपके किसको दिखाएगी मैग्नीट्यूड को यानी कि परिमाण को किसको दिखाएगी परिमाण बात समझ में आ गई क्लियर है तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किससे किया जाता है एरो के सिंबल से किया जाता है बिल्कुल बहुत बढ़िया शाबाश ठीक है चलिए बिल्कुल 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 करते रहो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप मनीषा सैनी धन्यवाद बेटा धन्यवाद बस अच्छा पढ़ाता हूं और कई बार YouTube पर भी आ जाता हूं बच्चों को डिमांड पे की चैप्टर की बच्चों की डिमांड आ रही है तो इसको मैं करा देता हूँ फ्री में पढ़ाने भी आ जाता हूँ कई बार उदारता भी दिखाता है जीएस प्लेनेट है ना तो इसलिए बेटा बिल्कुल कनेक्ट रहो सर आपके लेक्चर बहुत अच्छे हैं अनिता प्रजापति धन्यवाद बेटा बस ये प्यार ही तो है जो मुझे फ्री में कंटेंट देने पर मजबूर करता है आपके बीच में आने को मेरे लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है आप जुड़े रहो ज्ञान इतना दूंगा बरबर के और बाईलैंग्वल दूंगा और ऐसे बाईलैंग्वल दूंगा ट्रांसलेटर ऐसे चलता है हिंदी इंग्लिश में दोनों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती सोच सोच के या तो टीचर हिंदी हिंदी में पढ़ाता है या इंग्लिश इंग्लिश में अपन दोनों में महार थे ठीक है चलो तो यहां पर लास्ट तक बने रहना और ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर अब इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट बात आती है आपके आगे वो बात है टाइप्स ऑफ वैक्टर को लेकर के टाइप्स ऑफ वैक्टर सदिश के प्रकार सदिश के प्रकार में बात करें तो देखिएगा बेटा सबसे पहले समान सदिश सबसे पहले आएगा समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर ठीक है एक बात और बता देता हूं पिछले वाले पे बता देता हूँ बेटा एक मैग्नीट्यूड और होता है सदिश का अगर परिमाण आपको लिखना हो सदिश का परिमाण इसी में इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ यहीं के यहीं जैसे मैंने लिख दिया ए वैक्टर हाँ जी कोई सदिश है ए वैक्टर ठीक है इसका आपको क्या लिखना है मैग्नीट्यूड लिखना है ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट को अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है इसका परिमाण लिखना है तो कैसे लिखोगे कैसे रिप्रेजेंट करोगे ए वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप करते हो या तो मॉड ऑफ ए वैक्टर से अगर आप सदिश लगा रहे हो वैक्टर लगा रहे हो तो उस टाइम पर जो है मॉड लगा देना है या सिंपल आप ए भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई दोड लगा देते हैं मोड हमेशा परिमाण को दिखाता है और या फिर सिंपल ए से सर इस लेसन के कितने चैप्टर आ, कितने लेक्चर पढ़ा दिए इस लेसन के बेटा आज ही शुरुआत करिए अभी है ना इसी क्लास में इसी क्लास में खत्म करके जाऊंगा ये पूरा लेसन आज ही पढ़ा के जाऊंगा ठीक है तो बने रहो देखते रहो बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग है तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ ए ए और और स्मॉल इससे प्रदर्शित करते हैं हम तो मॉड कभी लगा हो तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ये ध्यान रखना चलिए अब आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ वैक्टर पर तो इसमें मैंने लिखा समान सदिश है जी अब देखो इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नाम से पता चल रहा है इक्वल वैक्टर समान सदिश दो सदिश क्या होने चाहिए समान होने चाहिए दो सदिश क्या समान यानी इक्वल होने चाहिए है जी अब इक्वल कब होंगे भाई आप जैसा कोई दूसरा भी मौजूद है दे आर टू इक्वल पर्सन तो क्या होगा उनकी प्रॉपर्टी बराबर होगी हाँ जी दोनों जो समान व्यक्ति है उनके क्या हो गए गुणधर्म उनकी प्रॉपर्टी बराबर की होगी हाँ जी तो यहां पर जो समान होने का मतलब है इसका मतलब उसके गुण बराबर होने चाहिए और वेक्टर के क्या गुण होते हैं क्या गुण होते हैं परिमाण और दिशा मैग्नीट्यूड एंड दी डायरेक्शन यानी कि दिशा ठीक है साहब ये दोनों क्या होने चाहिए समान होने चाहिए सेम होने चाहिए क्लियर है समझ में आ गई बात मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए सेम कैसे जैसे मैंने दो सदिश बनाए ये दो सदिश बनाए मैंने ठीक है ये ए वैक्टर ये बी वैक्टर ठीक है ये दोनों सदिशों के देखो लेंथ बराबर की है इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर का है जी इन दोनों की लेंथ बराबर है इसका मतलब ये दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो गया और दोनों की डायरेक्शन हेड की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है सीर्स भी एक ही दिशा में तो इनकी डायरेक्शन भी क्या है सेम है दोनों की डायरेक्शन भी क्या है सेम है तो इस स्थिति पर ए एंड बी वैक्टर आर इक्वल वैक्टर दोनों क्या है बेटा समान सदिश है दोनों क्या है समान सदिश है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए वैक्टर बराबर बी वैक्टर तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई इक्वल वेक्टर आप भी बता सकते हो ठीक है आगे बढ़ते जाएंगे अभी देखो इसमें भी कुछ झोलमाल बताऊंगा आपको ठीक है चलिए क्या चल रहा है सी आई एस एफ बिल्कुल बहुत बढ़िया अंकित शाबाश बेटा बिल्कुल शिवानी बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा ठीक है आपका पढ़ा हुआ समझ में आता है सर धन्यवाद बेटा ओसम बिल्कुल धन्यवाद सर रियली में सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो धन्यवाद बेटा बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार प्रेम के लिए और मैं यही कहना चाहूंगा जो भी बच्चे देख रहे हो नर्सिंग किसी भी स्टेट की हो एक्टर उसको पढ़ना जरूरी होता है सारे बच्चे इधर उधर टाइम पास मत करो आज की क्लास में जुड़ जाओ है ना नी टाइम्स वाले इधर उधर टाइम पास मत करो आज जुड़ जाओ लैब असिस्टेंट वाले टाइम पास मत करो आज जुड़ जाओ क्योंकि आज जुड़ गए तो बहुत अच्छी चीज आप सीख करके जाओगे इस पूरे चैप्टर में से और फिर आपको कभी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी इसलिए बिल्कुल जुड़े रहना है नेक्स्ट दूसरा जो आता है हाँ जी नेक्स्ट दूसरा जो आता है वो आता है असमान सदिश असमान सदिश यानी कि अनइक्वल वेक्टर हाँ जी अनइक्वल वेक्टर अब देखो नाम से ही पता चल रहा है दो सदिश असमान कब होंगे दो सदिश असमान कब होंगे बेटा जब उनकी प्रॉपर्टीज बराबर ना हो ठीक है यानी परिमाण और दिशा अलग अलग हो ठीक है आगे से सर हम आपसे ही पढ़ेंगे बिल्कुल धन्यवाद बेटा चलो देखो इधर तो दो सदिश जो है वो कब ऐसमान होंगे अनइक्वल कब होंगे जब दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो बेटा अलग अलग हो दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो अलग अलग हो ठीक है जीवन रावत कह रहे हैं सर प्लीज ज्वाइन पीडब्ल्यू धन्यवाद बेटा जीवन ठीक है अदर प्लेटफॉर्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए आपने मुझे कहा है कि आप वहां आ जाइए धन्यवाद है आपका लेकिन बेटा हमारा भी नाम कुछ कम नहीं है ना आ जाओ इधर पढ़ लो है ना ब्रांड होते नहीं है ब्रांड बनते हैं ब्रांड बनते हैं बेटा हर आदमी जीरो से स्टार्ट होता है आज अब जीरो से हैं बच्चों में जैसे जैसे आएंगे सब कुछ बन जाएगा चलो इधर आ जाओ तुम तो बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा तो इसमें तीन प्रॉपर्टी आ जाएगी क्या परिमाण समान दिशा अलग परिमाण समान दिशा अलग ठीक है हो सकता है मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो ठीक है हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग हो परिमाण अलग हो लेकिन दिशा समान हो ठीक है मैग्नीट्यूड जो है डिफर हो सकता है और आपका जो डायरेक्शन है वो सेम हो सकती है ठीक है हो सकता है दोनों ही अलग हो दोनों ही अलग हो यानी डिफर, डिफर, है, कुछ भी हो सकता है इसमें दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं है ना क्लियर है परिमाण समान दिशा अलग परमाण अलग दिशा समान दोनों ही अलग अलग हो ठीक है कहने का मतलब अगर डायग्राम से मैं समझाऊं आपको तो जहां ये देखिए साहब यहां पर एरो की लेंथ बराबर की है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो गई पहला जो पॉइंट है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेंथ बराबर की है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो गई दूसरे में क्या है परिमाण अलग लेकिन दिशा समान ये लो एक छोटा एक बड़ा ये लो साहब ये भी अनइक्वल है हो सकता है बेटा दोनों ही अलग हो दोनों ही अलग हो ये लो साहब तो ये तीनों ही ये पहला केस हो गया ये दूसरा केस हो गया ये तीसरा केस हो गया ठीक है तीनों ही केस में अनइक्वल है तो मैं तीनों में ही क्या लिखूंगा ए वैक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वैक्टर ए वैक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वैक्टर यानी बोथ आर अनइक्वल वेक्टर वैक्टर क्लियर है सबको बिल्कुल बिल्कुल साहब बहुत बढ़िया चलिए ओके <laughs> बिल्कुल 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 शावास, शावास। हर क्लास लेने के बाद हमेशा यही लगता है कि सर यू आर दी बेस्ट धन्यवाद बेटा धन्यवाद ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टावास एक फैन सर ओके चलो 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 क्रिस्टल क्लियर चलो 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 ठीक है तो ये हो गया अनइक्वल में अब नेक्स्ट जो आता है तीसरा ध्यान से समझना बेटा हो सकता है वो दो तो आप भी जानो और आप भी कह दो यार ये तो हम ही जानते हैं तीसरे में आओ इसमें बताऊंगा कंसेप्ट तीसरा है अपना विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश विपरीत सदिश या ऋणात्मक है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपोजिट बैक्टर और को हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं इसको विपरीत सदिश भी कहा जाता है या ऋणात्मक भी कहा जाता है अब इसमें क्या है बेटा इसमें क्या होगा इसमें परिमाण जो है जो मैग्नीट्यूड है जी, वो तो क्या रहता है समान सेम रहता है बेटा लेकिन जो दिशा है महाराज दिशा जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है अपोजिट होती है यानी कि विपरीत होती है। कैसी होती है समझ में आ गई बात तो कहोगे सर फिर एक बात बताइए अनइक्वल और इसमें अंतर क्या है अनिक्वल वाले में और अपोजिट वाले में अंतर क्या है तो एक लाइन सुनिएगा और ध्यान रखना नीट आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे और आजकल तो हर किसी एग्जाम में कैसा भी लेवल पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन आता है आपके पास हमेशा मैं एक लाइन बोलूंगा मैं ये लाइन बोलूंगा कि विपरीत सदिश जो है वो हमेशा असमान सदिश होता है ध्यान से सुनना इस लाइन को ये लाइन असर्सन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं अपन के कथन निष्कर्ष वाले जो होते हैं उसमें जरूर पूछा जाता है ठीक है क्या क्या बेटा कि विपरीत सदिश हमेशा वर्ड पे फोकस करना विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होता है लेकिन असमान सदिश हमेशा विपरीत सदिशो ऐसा जरूरी नहीं है स्टेटमेंट क्या जारी किया है मैंने कि विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होता है अपोजिट वेक्टर इज ऑलवेज ए अनइक्वल वेक्टर बट अनइक्वल वेक्टर इज ऑलवेज ए अपोजिट वेक्टर इट इज नॉट नेसेसरी है ना विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होगा लेकिन असमान सदिश हमेशा विपरीत सदिशों ऐसा जरूरी नहीं है सर लाइन तो हम समझ गए लेकिन कुछ डायग्राम से समझा दो तो मजा आ जाए बिल्कुल बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में तो देखना चरा ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर यहां पर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर की है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर ठीक है ये दोनों क्या है विपरीत सदिश है ये असमान सदिश भी है क्या बिल्कुल है क्योंकि ऐसमान सदिश की एक प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने दिशा अलग हो और परिमाण समान हो मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन डिफर हो तो यहां पर डायरेक्शन डिफर है ठीक है एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन तो डिफर है और मैग्नीट्यूड सेम है तो अपोजिट वेक्टर इज ऑलवेज अपोजिट वेक्टर इज ऑलवेज ए अनइक्वल वेक्टर अन इक्वल वैक्टर बट अन इक्वल वैक्टर इज ऑलवेज इज ऑलवेज ए अपोजिट वैक्टर इट इज नॉट ए नेसेसरी इट इज नॉट नेसेसरी बात समझ में आई क्या अभी एक बात बताइए अभी मैंने मैग्नीट्यूड सेम कर दिया ये लो साहब अलग ही कर देते मैग्नीट्यूड भी देखो इधर समझो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये कौन सा है बेटा अपना ये कौन सा है ये अनइक्वल वेक्टर है अनइक्वल वेक्टर है ये असमान तो है लेकिन क्या विपरीत है क्या बताना मुझे नहीं है ना ये असमान तो है ये अनईक्वल तो है लेकिन क्या ये अपोजिट है नहीं है तो अनिकवल वेक्टर हमेशा विपरीत सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है ये रहा है उसका एग्जाम्पल लेकिन अब आप ये कहोगे तो फिर सर क्या अनइक्वल वेक्टर कभी अपोजिट वेक्टर नहीं हो सकता हो सकता है ध्यान से सुन लेना अन वेक्टर अपोजिट वेक्टर हो सकता है लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है और वो किस केस के लिए बोल रहा हूं इसके लिए ये अनइक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है तो इसलिए अनइक्वल इज नॉट ऑलवेज ए अपोजिट सदिश कभी भी हमेशा मतलब हमेशा विपरीत सदिश नहीं होता लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि असमान सदिश विपरीत सदिश नहीं हो सकता असमान सदिश विपरीत सदिश हो सकता उसका एग्जाम्पल ये रहा ये अनइक्वल भी है अपोजिट भी है समझ में आ गई क्या बात अरे जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं रीजन में क्वेश्चन आता है अगर आपके स्टेटमेंट लिखा आता है कि सदिश विपरीत सदिश होता है बिल्कुल सही है लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट लिखा आता है कि असमान सदिश हमेशा विपरीत सदिश होगा अनइक्वल वैक्टर इज ऑलवेज अपोजिट वैक्टर स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट बेटा गलत है यह बात समझ लेना और यह बात समझ लेना बात समझ लेना कि अपोजिट वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर एक स्टेटमेंट भी सही है और अपोजिट वेक्टर इज ए अनइक्वल वेक्टर एक स्टेटमेंट भी सही है विपरीत सदिश हमेशा सदिश स्टेटमेंट भी सही करना है और विपरीत सदिश असमान सदिश होता है इसको भी सही करना है समझ में आ गई बात ये कथा समझ में आ गई आपको तो यह क्वेश्चन असरसन रीजन में यहां से पूछा जाता है अब जब बात हमने अनइक्वल वेक्टर की करी तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप पूछोगे सर और क्वेश्चन कैसे बन सकता है और क्वेश्चन ऐसे बनता बेटा इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी तो वैक्टर इसकी सही है ठीक है ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वैक्टर माइनस किसको दिखा रहा अपोजिट डायरेक्शन को किसको दिखा रहा अपोजिट डायरेक्शन को एक बेटा इसकी ये भी प्रॉपर्टी सही है मॉड ऑफ ए वैक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वैक्टर अगर एग्जाम में कहीं आपके लिखा जाता है कि निम्न में से निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट विपरीत अपोजिट वेक्टर के लिए सही है तो ऑप्शन में अगर ये है तो ये भी सही करके आना है और ये वाला ऑप्शन में दे रखा है तो इसको टिक करके आना है क्योंकि देखो आपको पता है माइनस अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है तो ये मैं लिख सकता हूं और मॉड ऑफ ए वैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वैक्टर यानी कि यानी कि दोनों के परिमाण बराबर के तो वो तो मैंने लिखा है कि अपोजिट वैक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है ठीक है हम्म <laughs> बेटा देखो बाहर लैंग्वेज लेके ले चलना है इसलिए भावनाओं को समझने पे ध्यान देना है ना सर इसको हिंदी में भी लिखो हिंदी में भी लिखू ले बेटा लिख देता हूँ हिंदी में ले तू खुश रहे विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होता है असमान सदिश होता है लेकिन ऐसमान सदिश हमेशा विपरीत सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है ये बात थी वो इंग्लिश में ठीक है और स्टेटमेंट ध्यान रख लेना स्टेटमेंट ध्यान रख लेना इसमें हाजी स्टेटमेंट इस इसमें ध्यान रख लेना विपरीत सदिश हमेशा असमान सदिश होता है स्टेटमेंट करेक्ट है अपोजिट वेक्टर इज ऑलवेज अनइक्वल वेक्टर करेक्ट है स्टेटमेंट दूसरा विपरीत सदिश असमान सदिश होता है हमेशा हटा दिया तो भी करेक्ट है लेकिन असमान सदिश हमेशा विपरीत सदिश होगा अनइक्वल इज ऑलवेज अपोजिट यह स्टेटमेंट गलत है लेकिन लिखा हुआ है कि अनइक्वल वेक्टर इज ए अपोजिट वेक्टर यह स्टेटमेंट सही है समझ में आ गई बात क्लियर है जी सर महिमा कह रही है सर लेसन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बताएं बिल्कुल बेटा क्वेश्चन मैं साथ में बताता चल रहा हूं पहला यह स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इससे दूसरा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विपरीत सदिश के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है है ना ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अपोजिट और आपको ऑप्शन में या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या ये लिखा मिलेगा यही लिखे तो इस पर टिक कर देना यह लिखा हुआ मिले तो ये लिख लेना ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी हो गई क्लियर है समझ में आ रहा है मजा आ रहा है लेकिन मुझे मजा बिल्कुल नहीं आ रहा क्यों नहीं, नहीं आ रहा, रहा गुरु जी आपको मजा मुझे मजा इसलिए नहीं, नहीं आ रहा कि इतना जो ज्ञान है वो मैं फ्री में बांट रहा हूं लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे आप जोड़ नहीं रहे और नीट एम्स वाले और आईआईटी वाले उनका तो वन शॉट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसा कहां मिलेगा कि वन शॉट में आपको पूरा कंटेंट मिल जाए एक ही क्लास में तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए शेयरिंग करें ऑसम ऑसम तो लिख करके तुम बहुत भेज रहे हो जीवन रावत बहुत बहुत धन्यवाद बेटा ठीक है चलिए और इसी तरीके की फिजिक्स यदि आपको मेरे से पढ़नी है तो उसके लिए आप जीएस प्लेनेट क्लासेज की ऐप डाउनलोड कर लेना नीट एम्स नर्सिंग के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए बिल्कुल करेंट में क्लासेस चल रही है मेरी ले सकते हो आप ऐप में जाकर के ठीक है चलिए और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी बातें पता रहे आपको अब नेक्स्ट चौथा आते हैं बेटा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर पर चौथा होता है आपका शून्य सदिश चुन्ने सदिश जीरो वेक्टर या नल वेक्टर अब ये क्या होता है ठीक है तो इसके लिए सुनिए ठीक है इसके लिए सुनिए क्या है इसकी बात इसकी बात ये है ऐसे सदिश जिनका परिमाण जीरो होता है ऐसे सदिश जिनका परिमाण जीरो होता है अब इसमें भी बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं तैयार हो जाओ तुम जिनका परिमाण शून्य होता है यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है इक्वल टू जीरो ऐसे सदिश जिनका परिमाण जीरो होता है मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो कौन से होते हैं वो कौन से होते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जिनको हम कहते हैं बिल्कुल परिमाण जीरो होता है शाबाश चलिए ठीक है तो मैग्नीट्यूड जीरो होता है अब देखिएगा साहब अब देखिएगा इसका कोई एग्जाम्पल इसका कोई एग्जाम्पल शून्य सदिश कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम शून्य सदिश कह सकते हैं हाँ जी मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन का जल्दी से मुझे जवाब देंगे क्या फिजिक्स में ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसको हम शून्य सदिश बोल सकते हैं क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने हाँ जी जवाब दो मुझे क्या फिजिक्स में ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको जीरो वेक्टर और नल वेक्टर हम कह सकते हैं जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार जवाब दे दो मुझे तुम में देखते हैं कितना दम है कितना अच्छे से पढ़ा है तुमने कहाँ से पढ़ा है वहां से जहां से भी पढ़ा है आप लोगों ने मुझे बता दो क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम जीरो और नल वेक्टर कह सकते हैं उसको शून्य सदिश कह सकते हैं जिन भी बच्चों ने पढ़ रखा बता दो चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो चाहे नीट का चाहे किसी का भी तारिका ने कहा डिस्प्लेसमेंट में भी ओके नेक्स्ट और बताइए नो सर हम नहीं बता सकते ओके और बताइए और बताइए जी बताओ ना तो सारिका का आंसर आया था डिस्प्लेसमेंट मैं ये कह रहा हूं कि ऑल क्वांटिटीज इन फिजिक्स आर जीरो और नल वैक्टर जीरो और नल वैक्टर हर वो भौतिक राशि फिजिक्स में शून्य सदिश है जो दो प्रॉपर्टी को फुलफिल करती है क्या एक तो उसका परिमाण जीरो हो चाहे किसी भी स्थिति में हो चाहे किसी भी कंडीशन में उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और दूसरा वो सदिश होनी चाहिए। वो सदिश सदिश होनी होनी चाहिए चाहिए अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस जीरो और नल वेक्टर नो नहीं कह सकता क्यों भाई दूरी अधिस राशि है स्केलर है जब वो वेक्टर ही नहीं है तो फिर उसको जीरो वेक्टर कैसे कह दूंगा या नल वेक्टर कैसे कह दूंगा समझ में आ गई अगर कोई मुझसे कहे डिस्टेंस कोई कहे मुझे वर्क कोई कहे मुझे किसाब जो है स्पीड ये आपके जीरो नल वेक्टर हो सकते हैं, तो कभी भी नल वेक्टर नहीं होंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं है ये वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं है लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है नहीं, फोर्स हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मोमेंटम हो गया आपका इंपल्स हो गया आपका वेलोसिटी हो गया ये सब आपकी जीरो और नल वेक्टर हो सकती है लेकिन किस कंडीशन में हो सकती है जब इनका तो फंसा रहे हो आप तो आज हाँ जी तो शब्दों के फेर को ऐसे समझिए बेटा कि डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज ए नैक्टर और जीरो वैक्टर वेन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम क्या बोल गए गुरु जी इंग्लिश में इंग्लिश में गुरु जी ये बोल गए कि विस्थापन सदिश एक शून्य सदिश होगा एक जो है नल वेक्टर होगा जब किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो वेन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज ए जीरो और नल वैक्टर विस्तावन सदिश एक शून्य सदिश होगा कब होगा जब उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति वस्तु की समान हो क्योंकि जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति वस्तु की समान होती है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है यह आप लोगों ने पढ़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो गया किस कंडीशन में जीरो हो गया किस कंडीशन में जीरो हो गया बेटा वेन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम तो विस्थापन सदिश शून्य सदिश होगा जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो क्योंकि मैग्नीट्यूड भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन आप ये बोलो कि विस्थापन सदिश हमेशा शून्य सदिश होगा तो यह गलत है हमेशा नहीं कह सकते आप हमेशा नहीं कह सकते विस्थापन हमेशा शून्य सदिश नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि विस्थापन हमेशा क्या जीरो ही होता है क्या नहीं वो किसी परिस्थिति में जीरो किसी कंडीशन में तो उस कंडीशन में जिसमें उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है उस टाइम पर बेटा डिस्प्लेसमेंट इज ए जीरो और नल वेक्टर फोर्स इज ए जीरो और नल वेक्टर आप बोल सकते हो क्यों बोल सकते हो जिस आ, कब बोल सकते हो जिस स्थिति में फोर्स का मान जीरो हो लेकिन आप कहो कि वर्क इज ए जीरो और नल वेक्टर सर वर्क का मान किसी स्थिति में जीरो है तो क्या कार्य क्या कार्य सदिश हो सकता है? नहीं हो सकता नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि कार्य तो बेटा स्केलर में है ना आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी कह सकते हो समझ में आ रही है बात तो यहां पर इसका मैं एक एक ही एग्जांपल लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो और नल वैक्टर वैन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम बात क्लियर है सबको बात क्लियर है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज ए जीरो नल वैक्टर वेन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम विस्थापन सदिश हमेशा शून्य सदिश होगा कब होगा जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान हो क्योंकि इस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो आ जाएगा और दूसरी बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वांटिटी तो जीरो वैक्टर नल वैक्टर में कह सकता हूं क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको हाँ जी क्या ये पॉइंट क्लियर है देखो किसी ने कहा सर विद्युत धारा अरे विद्युत धारा स्केलर में बेटा हाँ तो ध्यान रखना ध्यान रखना सर हिंदी में लिखो हिंदी में लिखो बेटा ये ले विस्थापन सदिश एक शून्य सदिश होगा एक शून्य सदिश होगा जबकि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति समान हो स्थिति समान हो भैया तो ये जो असन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ध्यान रखना अगर स्टेटमेंट लिखा आता है कि विस्थापन सदिश हमेशा शून्य सदिश होता है गलत है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज ए ऑलवेज जीरो और नल गलत है लेकिन लिखा आता है कि डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज ए जीरो नल वैक्टर वेन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सेम तो कहोगे करेक्ट है, स्टेट दोनों में अंतर है बर्ड का खेल है समझ का खेल है सर ये एग्जाम्पल है क्या बिल्कुल ये एग्जाम्पल ले दिया मैंने ठीक है समझ में आ गई बात एक समान वेलोसिटी से गति करते हुए पिंड का त्वरण तो बिल्कुल बेटा जिस भी पोजिशन मैं कह रहा हूं ना ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल लिख दूंगा मैं हजारों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मान पहली चीज तो देखो इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी को आप जीरो नल वेक्टर कह सकते हो दूसरा उसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए जिस परिस्थिति में उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है उस परिस्थिति में वो जीरो नल वेक्टर है अब इसी लाइन से समझ जाओ आप हर क्वांटिटी के लिए कह सकते हो आप ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इसके बाद इसके बाद इसकी जो दो बात है ये तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया अब आप कहोगे शून्य सदिश हमें कैसे प्राप्त होता है तो नेक्स्ट बात यह है कि ये कैसे प्राप्त होगा कैसे प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है तो उसकी दो स्थितियां हैं हाँ जी पहली कैसे प्राप्त होता है उसकी पहली स्थिति क्या है दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है शून्य सदिश प्राप्त होता है ध्यान रखना अगर दो अपोजिट वेक्टर को आप जोड़ दोगे बाय एडिंग टू अपोजिट वेक्टर वी गेट जीरो और नल वेक्टर आप कहोगे गुरुजी कैसे समझाओ हमें तो समझो बेटा समझने के लिए तो दीपक है इधर देखो एग्जाम्पल इसका भी देखो जैसे बेटा अभी पिछला वाला क्वेश्चन था एक आपका अपोजिट वेक्टर ए वेक्टर था दूसरा बी वेक्टर था यही थे इन दोनों को मैंने ऐड किया ए वैक्टर प्लस माइनस का बी वैक्टर दोनों अपोजिट वैक्टर थे ना ये अभी लिखा था पिछली वाली स्लाइड में तो ए वैक्टर और बी वैक्टर को मैंने ऐड किया तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मोड ऑफ ए वैक्टर प्लस माइनस का मोड ऑफ बी वैक्टर भी लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकते हो गुरु जी तो फिर बेटा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो मोड ऑफ ए वैक्टर माइनस का मोड ऑफ बी वैक्टर भी लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकते हो सर और हमने अभी पढ़ा था हमने अभी पढ़ा था और वो क्या पढ़ा था कि जो अपोजिट वेक्टर होते हैं अपोजिट वेक्टर में दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर के होते हैं ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर पढ़ा था ना मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा तो इस मॉड ऑफ बी वेक्टर की जगह मैं मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकता हूं तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा? आ जाएगा जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जी आ जी बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा क्या हो गया क्लास ये लंबी चलेगी बेटा अभी तो वेक्टर की शुरुआत हुई है लास्ट तक चलेगी ठीक है आज कोई पढ़ने नहीं दे रहा है क्यों नहीं दे रहा भाई पढ़ने ये तो मुझे पता नहीं हाँ जी चलिए समझ में आ गई बात क्लियर है यहाँ तक सबको एक बार देख लीजिएगा एक बार देख लीजिएगा कि क्या ये बात जो मैंने लिखी थी दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है ये क्लियर है आपको ठीक है क्यों दोनों को जोड़ा दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर के होंगे तो बी वैक्टर की मॉड ऑफ बी वैक्टर ए मॉडल्टर लिख सकता हूं तो मैग्नीट्यूड आ गया ना जीरो ये आ गया जीरो बात समझ में आ गई तो दो विपरीत सदिशों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें जीरो और नल वेक्टर मिल जाएगा चलिए इसके बाद दूसरी स्थिति क्या है इसमें दूसरी स्थिति क्या है इस चाय को थोड़ा सा विराम दे देता हूं मैं रख देता हूं ठीक है दूसरी स्थिति लिखने के लिए चलिए भाई दूसरी स्थिति ये तो सब लोग जानते हो किसी भी सदिश को शून्य से गुणा करने पर किसी भी सदिश को शून्य से गुणा करने पर ठीक है यानी कि बाय दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो एनी वेक्टर किसी भी सदिश को अगर आप जीरो से गुणा कर दोगे जैसे मैंने कर दिया ए वेक्टर को बेटा किससे जीरो से गुणा तो मैग्नीट्यूड जीरो आपको पता ही जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड जीरो आता ही है तो ये वाली स्थिति तो आप भी जानते हो तो इस तरीके से ये बात थी हमारी जो कंप्लीट हमने बात की है वो ये बात थी आपकी जीरो और नल वैक्टर के बारे में क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा इसके बाद चौथे पे चलेंगे यूनिट वेक्टर पे चौथे पे चलेंगे बेटा यूनिट वेक्टर पे बताइए मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा लेकिन शेयरिंग होती रहनी चाहिए और जो भी बच्चा गायब है वो वापस आ जाना चाहिए क्योंकि जो जाएगा वो पछताएगा बाद में जो है पछताओगे और आज वैसे मेरा कमेंटों में कम ध्यान रख रखा है पूरा बोर्ड पर है यस सर जी सर यस सर बहुत बढ़िया क्लास कब तक चलेगी बेटा जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाता ठीक है जब तक ये पूरा नहीं हो जाता चलिए भाई यस सर बहुत मज़ा आ रहा है चलो ये जितने भी जीएस प्लेनेट के बच्चे हैं ये नोट्स पे ज़्यादा फोकस मत करो क्योंकि नोट्स आपको मैं भेज दूंगा ठीक है ये आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे ठीक है तो पिछले वाली स्लाइड दिखाने में गया तो फिर भाई साहब टाइम खराब बहुत हो जाएगा अपना ठीक है इसलिए पूरा चैप्टर करवाना है अभी तो शुरुआत ही हुई है इसकी नेक्स्ट चौथा चौथा क्या पांचवा पांचवा आता है आपका एकांक सदिश एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर ये क्या होता है सबको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है इनका जी आ, वन होता है ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक हो है ना दोज क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी, विच है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन ठीक है चलिए चलिए सर इससे पहले भी क्लास थी हमारी और अब भी बड़ी क्लास चल रही है तुम्हें दुख क्या है यार तुम्हें जब पढ़ाने आता हूँ जब दुख होने लग जाता है जब बंद करता हूँ पढ़ाना तो रोने लग जाते हो इस तरह पढ़ाओ पढ़ाओ क्या दुख है तुम्हारे बड़ी क्लास क्या होती है मैं तो थक ही नहीं रहा ना बड़ी क्लास मुझे पता है इससे पहले मैं ऐप में क्लास लगातार ले रहा था अब मैं यूट्यूब पर भी उसी एनर्जी के साथ धाड़ रहा हूँ लिख भी रहा हूँ हाथ भी चल रहा है दिमाग भी चल रहा है पैर भी चल रहे हैं आपको दिक्कत क्या हो जाती है ज़्यादा ज़्यादा नेट के तो इशू है तो नेट तो भाई साहब रिचार्ज करवा लिया करो क्या दिक्कत है मैं भी तो मेरी भी एनर्जी देखो तुम लोग

शुरुआत की है यानी कि अगर मैं लिखूं यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर यदि मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा ए कैप ठीक है ए वेक्टर का यदि एकांक सदिश लिखना होगा ए वेक्टर का अगर एकांक सदिश लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा ए कैप से दिखाऊंगा ठीक है और यहां से एक बात और पता चल गई कि मोड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1 होगा कई बार आ जाता है मोड ऑफ ए कैप का मान क्या होगा बच्चा सोचता है यार ये कुछ दिया तो है नहीं पता नहीं क्या पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है ए कैप का परिमाण ए कैप क्या है बेटा इट इज ए यूनिट वैक्टर और उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता तो है वन तो मोड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू वन ठीक है था बराबरी को नहीं आसू <laughs> चलिए पढ़ लो हाँ जी पढ़ लो इधर तो मोड ऑफ ए कैप इक्वल टू वन अब इसके बाद देखो अपन की तीन डायरेक्शन होती है एक्स वाई और जेड कितनी डायरेक्शन होती है बेटा तीन एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है आई कैप वाई के अलोंग कौन सा होता है जे कैप और जेड के अलोंग क्या होता है बेटा के कैप तीन डायरेक्शन होती है ना बेटा एक्स वाई और जेड इसके अलोंग आई कैप इसके अलोंग जे कैप वाई के अलोंग जेड के अलोंग A cap तो यहां से एक प्रॉपर्टी और लिख सकता हूं मैं क्या बेटा ये सब ये मिलेंगे ऐसे कैसे तुम्हें क्वेश्चन ये ये भी लिख सकता हूँ बेटा मैं समझ में आएगा मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इकॉज इज इक्वल टू मॉड ऑफ केक्वल टू वन यानी मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ के वैल्यू वन होगी क्यों होगी क्यों होगी महाराज क्योंकि मॉड ऑफ आई कैप क्या है एकांक सदिश है और मॉड किसको दिखाता है परिमाण को तो उसका मान बनी तो आएगा मॉड ऑफ जे कैप जे कैप यूनिट वैक्टर को दिखा रहा है मॉड किसको परिमाण को वन आएगा मॉड ऑफ के कैप यूनिट वैक्टर ठीक है बिल्कुल सर ये डायरेक्शन बनाते हैं बिल्कुल बताते हैं नरेश बेटा है ना आई कैप कहीं लिखा हुआ है तो वो मैग्नीट्यूड माना जाता है किधर जैसे आपने लिख दिया बेटा बता देता हूँ अभी आऊंगा खैर हाल ही उस चीज़ पे आऊंगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ बेटा जैसे आपको लिखा हुआ है ए वैक्टर बराबर टू आई कैप थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप तो इसका मतलब क्या है ये ये बता रहा है कि एक्स अक्ष पर कितना दो वाई अक्ष पर कितना तीन बेटा चार है ना जो डिस्टेंस लगाएंगे अपन वो कैसे लगाएंगे एक्सिस एक्स पर टू वाई पर थ्री और जेड एक्सिस पर फोर और ये आईके कैप क्या के दिखाए हमें डायरेक्शन ही तो दिखाए समझ में आ गई बात तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है सर यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता बिल्कुल नहीं होता बेटा इसका जब भी जो है लास्ट में आंसर लिखते हैं तो यूनिट ही लिखा जाता है अभी बताऊंगा जैसे इकाई लिख देते हैं अपन लास्ट में बस और कुछ नहीं है ठीक है चलिए समझ में आ गई बात आगे देखिए साहब तो यहां पर यह बात हो गई यूनिट वैक्टर की और यूनिट वैक्टर में एक फॉर्मूला और होता है ए कैप अगर लिखना होगा तो मैं इसको ए वैक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए वैक्टर भी लिख सकता हूं एकांक सदिश का एक फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है एकांक सदिश का क्या होता है सदिश सदिश डिवाइडेड का परिमाण सदिश का परिमाण न्यूमेरिकल कराऊंगा टेंशन मतलब अभी कराऊंगा थोड़ी देर में रुक जाओ ठीक है तो एकांक सदिश का एक फॉर्मूला होता है सदिश डिवाइडेड बाय सदिश का परिमाण वेक्टर को लिखो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिख दो उसका मैग्नीट्यूड लिख दो ठीक है क्लियर है चलो तो ये सब बात आपको यूनिट वेक्टर में ध्यान में रखनी है क्लियर है सबको क्लियर है और इसके बाद में इसके बाद में बेटा आपके कई सारे और आते जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं टाइम जाया करूंगा नहीं जैसे समांतर सदिश आता है एक इसके अलावा और भी सदिश होते हैं जैसे पैरल वैक्टर होता है ठीक है इसके बाद में आपका जो है कौन सा होता है समतलीय सदिश भी होते हैं समतलीय सदिश जिसको हम को प्लेनर वैक्टर भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद सम प्रारंभिक सदिश भी होता है सम प्रारंभिक सदिश ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा एनर्जी इन पर वेस्ट करवाऊंगा नहीं तुम्हारी भी और मेरी भी को इनिशियल वैक्टर ऐसे होता है सम गंतव्य सदिश इनको एग्जाम्पल से समझा देता हूं जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेटा समांतर सदिश एक दूसरे के क्या होंगे पैरल हाँ जी पैरल टू अदर पैरल टू अदर और एग्जाम्पल कैसे एक सदिश ये हो गया एक सदिश चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना दो ठीक है दोनों किसके है एक दूसरे के पैरल है एक दूसरे के क्या है बेटा पैरल तो हम कैसे लिखेंगे इसको ए वेक्टर कैसे लिखेंगे ए वैक्टर पैरल टू दी बी वैक्टर ठीक है समतलीय सदिश मतलब एक ही तल में स्थित हो एक ही तल में स्थित हो है ना है ना सिचुएटेड इन सेम प्लेन सिचुटेड इन सेम प्लेन जैसे एक्स और वाई एक्स वाई तल में मैंने दो सदिश बना दिए बेटा ये ए वैक्टर ये बी वैक्टर ये दोनों सदिश किस किसमें है एक्सवाई प्लेन में है. दोनों सदिश एक ही तल में किसमें में? किसमें है एक्स वाई प्लेन एक्स वाई तल में है तो ये दोनों क्या हो गए बेटा समतलीय सदिश हो गए को प्लेनर वैक्टर हो गए इसके बाद सम प्रारंभिक सदिश सम प्रारंभिक सदिश का मतलब ये है ये है एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले जी एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले है हाँ ना और सम गंतव्य का मतलब क्या है एक ही बिंदु पर जाने वाले या एक ही बिंदु पर मिलने वाले ये तो ये कोई इनसे कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसलिए मैंने जो है ज्यादा इन पर फोकस आपका नहीं किया है ठीक है बिल्कुल क्लियर है और सभी स्टूडेंट जो है एक बार शेयरिंग करते रहे क्योंकि ये जब वॉचिंग नीचे आती है तो मेरी एनर्जी नीचे आने लग जाती है दी ठीक है ध्यान रखना तो ये सब कुछ हो गया ये टाइप्स ऑफ वैक्टर हो गए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पोजिशन वैक्टर नेक्स्ट आता है बेटा पोजिशन वैक्टर स्थिति सदिश ठीक है स्थिति सदिश क्या होता है मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कोऑर्डिनेट ठीक है? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा कोऑर्डिनेट? बताइए मुझे निर्देशांक क्या होते हैं निर्देशांक निर्देशांक क्या होते हैं जो पोजीशन को बताते हैं। आपने जैसे लिखा बेटा किसी पॉइंट ए के निर्देशांक लिखते हो दोमा तीन तो आप बचपन में करते आए ये एक्स और ये वाई एक्स पर दो वाई पर तीन और फिर पॉइंट मिला के लगा दिए यहां पर कि ये पॉइंट कहां पर है ये पॉइंट कहां पर है तो वो किससे पता करते हैं अपन कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट इट इज रिप्रेजेंट दी पोजीशन ऑफ पॉइंट और ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की स्थिति को बताता है कौन निर्देशांक? ये आपको पता होना चाहिए ठीक है क्लियर है चलिए तो यहां पर अगर स्थिति सदिश की मैं बात करूं स्थिति सदिश की अगर मैं बात करूं ठीक है तो क्या होता है स्थिति सदिश वेक्टर इच्स रिप्रेजेंट वेक्टर इच्स रिप्रेजेंट दि पोजिशन ऑफ दि पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन कहने का मतलब क्या है मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु या बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश, ठीक है? पोजिशन वेक्टर क्या करेगा बिल्कुल भेज दूंगा मैं नोट्स लिखने पे ध्यान मत दो समझने पे ध्यान दो मैं सारे नोट्स भेज दूंगा ठीक है चलिए तो मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु या बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश देखिए जरा एग्जाम्पल देखिए जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लगाया ए इसके निर्देशांक में लिख दिए मैंने स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई तो यहां पर मैंने एक वेक्टर बनाया ये लो, बना दिया ये हमारा हो गया ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु तो और इसके ऊपर लिखा मैंने ओ ए वैक्टर तो ओ ए वैक्टर इज ए पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए ओ ए वैक्टर इज ए पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए समझ में आ गई बात बिंदु ए का स्थिति सदिश है ओ ए वैक्टर क्यों क्योंकि ये जो सदिश है ये इस बिंदु ए की स्थिति को दिखा रहा है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन मूल बिंदु के सापेक्ष समझ में आ रहा है तो इस तरीके से ओ ए वैक्टर इज ए पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए और यहां पर यदि मैं ओ ए वैक्टर को लिखूंगा तो यहां पर x कोऑर्डिनेट किस दिशा में आएगा x एक्सिस में तो यहां पर अपना क्या होता है i कैप और y में क्या होता है j कैप तो इसका OA वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा x i कैप प्लस j कैप OA वेक्टर कैसे लिखा जाएगा x i कैप प्लस y j कैप से मान लो इस पॉइंट के निर्देशांक होते दो कॉमा तीन तो इसका पोजिशन वैक्टर यदि आपसे कोई पूछे कि कोई एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट टू कोमा थ्री है उसका पोजिशन वैक्टर यानी कि जो स्थिति सदिश है जो स्थिति सदिश है वो क्या होगा वो स्थिति सदिश क्या होगा तो आप कहोगे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप उसका स्थिति सदिश क्या होगा बेटा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप होगा समझ में आ गई बात अगर कोई आपसे पूछे कि स्थिति सदिश का परिमाण क्या होगा यानी मोड ऑफ ए वैक्टर क्या होगा तो आप रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आप अंडरवुड में इसका अगर निकालू जैसे इसका अगर मैं निकालू तो अंडरवुड में दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर कई बच्चों को मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता वो सीख लेना चार प्लस नौ अंडरवुड में कितना बेटा तेरह ठीक है ये आ गया क्लियर है क्लियर है समझ में आ रहा है क्या जी तो कई को जैसे ये मिल जाता अब मैं कहता हूँ बच्चे से फिजिक्स में कहा जाता बेटा इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले वो बगले झांकता रहता है वो बगले झांकते रहता है कि सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालू तो बेटा ऐसे निकालते हैं अंडर अंडरवुड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके मतलब एक्स के जो आगे लिख रहा है उसका स्क्वायर प्लस वाई के जेके कैप के जो आगे लिख रहा है उसका स्क्वायर अंडर अंडरवुड में अगर मान लो तीन निर्देशांक हो क्या हो बेटा तीन निर्देशांक मान लीजिए तीन निर्देशांक निर्देशांको कोई पॉइंट है पी उसके निर्देशांक दोमा तीन कोमा चार मान लो ये है तो इसका स्थिति सदिश अगर पूछे आपसे इसका पोजिशन वैक्टर अब क्वेश्चन चालू हो गए भाई साहब यहां से ध्यान से सुन लेना हाँ जी अगर यहां पर इसका आपको पोजिशन वैक्टर पूछे पोजिशन वैक्टर तो कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे आप क्या लिखोगे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर ए कैप क्लियर है एक्स पर कितना दो वाई पर कितना तीन जेड पर कितना चार ठीक है आई कैफ जे कैफ कैप यूनिट वेक्टर उनके लगा दिए और फिर बता दिया है और यदि और यदि अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले ये तो आपका क्या आया ओपी वैक्टर ये तो क्या आया ओपी वैक्टर अगर कोई पूछ ले कि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकालो इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कुछ नहीं है अंडरवुड में एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर प्लस जेड वाले का स्क्वायर तो इसको सॉल्व कर लो चार प्लस नौ प्लस सोलह यानी कि अंडरवुड ट्वेंटी नाइन ये लो कैलकुलेशन भी देखो कैसे फास्ट चलो है जी समझ में आ गई क्या बात तो इस तरीके से हम पोजिशन वैक्टर क्या होते हैं पोजिशन वैक्टर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है पोजिशन वैक्टर का यदि हमें क्या निकालना हो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो किस प्रकार से निकाला जाता है अगर मान लो पूछ ले आपसे इसका एकांक सदिश आपसे इस स्थिति सदिश का एकांक सदिश मान लो यूनिट वेक्टर पूछ ले तो कैसे लिखोगे बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था मतलब ओपी कैप मान लो आपसे पूछ ले तो आप कैसे लिखोगे ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ओपी वैक्टर तो ओपी वैक्टर हमारे पास है ही क्या टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप ये तो हमारा ओपी वैक्टर हो गया और मोड ऑफ ओपी वैक्टर कितना अंडर उड में ट्वेंटी नाइन ये लो साहब ये आ गया आपका क्या इसका इकाई सदिश या एकांक सदिश क्वेश्चन हो गया क्या हो गया बिल्कुल सर इट्स वेरी इजी बहुत बढ़िया क्लियर है सबको चलो ये सब आपको आता होगा तो ये हमारा पोजिशन वैक्टर हो गया अब हम बात करते हैं अगली किसकी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की अगली किसकी बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की नेक्स्ट क्या है थापन सदिश चलो भाई इसकी बात करते ठीक है क्लियर है इसको भी एग्जाम्पल से समझिए इसको एग्जाम्पल से समझिए क्या जैसे किसी निर्देशांक तल में किसी प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन Y1 और Z1 और B के कोऑर्डिनेट है X2, Y2, Z2 बात समझ में आ गई ये है क्लियर है यहां से मैंने दो वेक्टर बनाए एक गया A पर दूसरा गया B पर इस पे लिखा मैंने ओ वेक्टर वैक्टर इस पे लिखा मैंने ओ ए वैक्टर तो यहाँ पर ओ ए और ओ वेक्टर वैक्टर क्या है ओ ए एंड ओ वी वैक्टर आर दी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ओए वेक्टर क्या है बिंदु ए का स्थिति सदिश ओबी वेक्टर क्या है बिंदु बी का स्थिति सदिश ये दोनों तो स्थिति सदिश है ओए वेक्टर एंड ओबी वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी बट मैंने इसके बीच में बना दिया क्या ये लो एवी वेक्टर बना दिया क्या बनाती है बेटा एवी वेक्टर देन एवी वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है विस्थापन क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम बात समझ में आ गई क्या किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी तो ए और बी के मध्य की न्यूनतम दूरी यही तो होगी और इसको मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया एवी वैक्टर से तो एवी वैक्टर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वैक्टर हाँ जी तो डेफिनेशन क्या बनेगी डेफिनेशन क्या बनेगी वैक्टर विच रिप्रेजेंट वैक्टर विच रिप्रेजेंट दिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन विन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि क्या परिभाषा बनेगी सदिश जो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करें बात समझ में आ गई क्लियर है बिल्कुल माही गुड इवनिंग मिस्टर नरेशू बिल्कुल ए वेक्टर वैक्टर बराबर बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर ठीक है ओके चलिए ठीक है आज मैंने कुछ चीज़ें और भी नोटिस की हैं वो तो नोटिस ये की है ठीक फ्री का ज्ञान देना भी नुकसानदायक है ठीक है ये चैप्टर मैंने चालू किया था ताकि नीट एम्स लेब असिस्टेंट किसी भी का भी बच्चा हो वेक्टर उसको आने चाहिए बेचारों को मदद मिले इसके लिए ठीक है लेकिन अगर उन्हें कोई कद्र नहीं है तो भाई साहब सीधी सी बात यह है कि सारी क्लासेज अब मेरी जो भी रहेगी थ्योरी वाली वो ऐप में ही रखूंगा मैं ताकि पैसा दे जुड़ेगा ना आदमी तब पता पड़ेगा हाँ सर खाना खाने जा रहे हैं बिल्कुल तुम सारे खाने खाने चले जाओ हो तो जाओ हाँ जी ठीक है फिर कि दतूरा पढ़ाऊँगा मैं खड़ा होकर के है ना मैं पागल हूँ जो यहाँ पर एक एक सांस में ऐसे पढ़ाने लग रहा हूँ तुमको हाँ अलायक को ठीक है साहब ठीक है जी कोई बात नहीं है मेरी तरफ से जो चल रहे हैं वो ठीक है बाकी के जो गए वो जाओ हुँ? क्लास खत्म थोड़ी होगी क्लास तो चलेगी क्लास थोड़ी ख़त्म कर देंगे चलिए भाई अब इसके बाद में ए बी वैक्टर बराबर मैं लिख सकता हूं ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर ये लिख सकता हूं यानी कि दोनों के स्थिति सदिश को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपना विस्थापन सदिश आ जाएगा अब ओ बी वैक्टर क्या आएगा जरा देखना इधर से ओ बी वैक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई देखना जरा इधर से ओ बी वैक्टर बराबर में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू ए कैप अगर मैं ओ ए वैक्टर लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा अभी सिखा चुका हूं आपको ये एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन ए कैप ठीक है सर किसी को फ्री कैन नॉट बी डाइजेस्ट बिल्कुल ठीक है ये जिनको डायजेस्ट नहीं होती ना मैं सोचता हूँ उदारता दिखाऊँ बच्चों के लिए तो थोड़ा सा फ्री कंटेंट उनको देता रहा हूँ यूट्यूब पे हाँ जी लेकिन वो बच्चे नालायक है बाद में खूब देखेंगे ये मुझे पता है ऐसा नहीं है कि इस वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे व्यू तो बहुत आएंगे व्यू तो बच्चे बाद में टू एक्स पे लगा लगा खूब देखते हैं है ना लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें तो टू एक्स पे दिखा दूंगा है मैं तीन घंटे तक जो है यहाँ पर तो दहाड़ मारू और तुम डेढ़ घंटे में फ्री होके चले जाओ ना 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 ऐसे तो बिल्कुल नहीं करता मैं हम्म तो ये स्थिति सदिश हम लिख सकते हैं इसके बाद में देखिए यहां पर यदि लिखने जाएंगे दुनिया फॉर्मूला रटा देती है इधर समझ लो कैसे आता है ये फॉर्मूला ए बी वैक्टर बराबर अगर हम निकालेंगे तो ओ बी वैक्टर आया एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस टू के कैप माइनस ये आया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के और जरा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग तो दिख रहा होगा एक्स टू आई कैप माइनस एक्स वन आई कैप आई कैप कॉमन निकाल लो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू जे कैप और वाई वन जे कैप सब्ट्रैक्टर बीच में माइनस से ध्यान रखना वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू के कैप और जेड वन z1, K cap, तो Z2 minus z1 ठीक है इस तरीके से आप ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ते हैं ये वाला कैसे आता है समझ में आ गई कैसे आता है समझ में आ गई चलिए बहुत बढ़िया जाते जाओ जाते जाओ ये क्लास मैंने अगर बीच में बंद करी दोबारा पे पढ़ लेना तुम मेरे से थ्योरी लो पढ़ाऊंगा तुमको दतूरा ले लो तुम फिर मेरे से ठीक है तो ये अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट वैक्टर के बारे में क्लियर है हो गया करा दू अभी एक इस पर ठीक है हाँ जी क्वेश्चन करा दू चलो क्वेश्चन देखो बेटा इस, इस पर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है कि जैसे दो बिंदु के निर्देशांक दे आपको टू थ्री फोर और एक निर्देशांक एक के दे दिए आपको क्या फोर टू माइनस वन कुछ भी मान लो ठीक है और आपको मान लो विस्थापन सदिश पूछ लिया विस्थापन सदिश पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट वैक्टर पूछ लिया तो निकाल लोगे इसको तो आप कैसे फॉर्मूला लगा दो एक्स टू माइनस एक्स वन i कैप plus वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस z1 k माइनस कैप ये फॉर्मूला आपको लगा देना है तो देखो x2 कितना है चार ये कितना है दो चार माइनस दो आई कैप प्लस वाई टू कितना है दो इधर कितना है तीन ठीक है प्लस जेड टू और ये जैड वन तो माइनस वन माइनस फोर और के कैप लास्ट में क्या आ जाएगा टू आई कैप माइनस जे कैप और माइनस फाइव के कैप ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है अरे कोई चैप्टर नहीं कराऊंगा ये लास्ट है बस आज हाँ हाँ इतना भैया कोई मेरे को बेवकूफ ने आदमी कोई काट के नहीं गया कुत्ते तो काटते नहीं है खैर मेरे को हाँ जी लेकिन आदमी भी नहीं काटे कभी तुम्हारे लिए ऐसे वन शॉट में बाईलैंग वाली इतना करवाएं और फिर तुम टू एक्स की स्पीड पे देख लो ज़्यादा छाण पत्ती दिखाते हैं बच्चे कि हम सर बाद में टू एक्स पे देख लेंगे तो अब टू एक्स पे पढ़ लेना यूट्यूब पे दीपक शर्मा क्वेश्चन कराता मिलेगा थ्योरी पढ़ाना गया ही नहीं थ्योरी पढ़नी हो जी एस प्लेट ऐप में जुड़ना पैसे देकर के तब पता चलेगा कि वैल्यू क्या होती है ठीक है ना बिल्कुल बस थोड़ी सी देर और चलाएंगे इस क्लास को फिर खत्म करेंगे ठीक है अरे तो आप जहाँ मर्जी पढ़ो हाँ ऐप वाले बच्चे तो ऐप में पढ़ो आराम से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस क्लास को मैं अब ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा ही नहीं फ्री करते तुम्हें भी अब ठीक है तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट वैक्टर निकाल सकते हो और दूसरा आप इस तरीके से मान लो आपको दो एक आ, जो है स्थिति सदिश दे रखे हो जैसे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप ये दे रखा है एक तो और एक दे रखा है आपको स्थिति सदिश मान लो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ये दे रखा है और फिर आपसे दो स्थिति सदिश देने के बाद में स्थिति सदिश से यदि आपसे क्या पूछा जाए अब पूछ ले कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ अब पूछ ले कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ विस्थापन सदिश बताओ तो ऐसा मत करना वन शॉट ही करता मैं इसको लेकिन ये तो वन शॉट लायक है ही नहीं ना बच्चे ये जल्दी हार मारते ये पहले भागते हैं ठीक है, है ना चलिए बिल्कुल इसको बीच में छोड़ूंगा अब हाँ जी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपसे पूछता तो ऐसे मत करना भाई साहब कि पहले एक्स वन वाई वन जेड वन निकालो फिर एक्स टू वाई टू जेड टू निकालो ऐसे मत करना महाराज डायरेक्ट अपन ने पढ़ा है एवी वैक्टर कैसे निकाला था जरा देखना दोनों स्थिति सदिश को सब्ट्रैक्ट करके दोनों पोजिशन वैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके तो यहां पर बेटा दोनों पोजिशन वैक्टर को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना मतलब क्या है टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप को ये कर देना आप डायरेक्ट ठीक है मतलब क्या है टू आई कैप माइनस आई कैप आई कैप आ जाएगा प्लस थ्री जे कैप और यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फोर जे कैप आएगा प्लस फोर के कैप और ये माइनस होकर के थ्री के कैप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वैक्टर अगर स्थिति सदिश आपको गिवन हो पोजिशन वैक्टर यदि आपको दे रखे हो और आपको डिस्प्लेसमेंट वैक्टर निकालना हो तो उस स्थिति पर डायरेक्ट पोजिशन वैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना कोऑर्डिनेट मत निकालना कोऑर्डिनेट निकालो फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ कौन सा वाला ये वाला है ना कि पहले कोऑर्डिनेट निकाले फिर फॉर्मूला लगा रहे फिर आंसर निकाल रहे क्या जरूरत है पोजीशन वेक्टर अगर डायरेक्ट दे रखे हो आपको तो पोजीशन वेक्टर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो डायरेक्ट आपका आ जाएगा हम्म चलो क्लियर है क्लियर है यहां तक तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है चलो अब इसके बाद में इसके बाद में जो बात आती है अपनी वो आती है वेक्टर एडिशन लॉ की किसकी आती है वेक्टर एडिशन लॉ की आती है लेकिन उस वेक्टर एडिशन लॉ को मैं चालू नहीं करूंगा क्योंकि आपकी जो टेन फॉलोइंग है वो बहुत कम हो गई ठीक है तो वैक्टर एडिशन लॉ और जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर है क्योंकि तो उसको चालू कर दिया तो एक घंटे खा जाएगा भी वो और उतनी क्लास में मेरे को लगता नहीं मैं इसको चलाऊं ठीक है सर तो आप जहाँ पढ़ाओगे वहाँ जाओ आ जाओ ऐप में आ जाओ तो आ जाओ फिर सारे के सारे पढ़ने ऐप में सीधी सी बात है जिसको भी हम हेम्स नीट एम्स नीट लहब नर्सिंग किसी भी स्टेट की ये सब पढ़ना हो तो महारथियो थ्योरी के लिए अब थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं यूट्यूब पे ठीक है थ्योरी पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं यूट्यूब पे अगर चाहिए किसी को तो सीधे ऐप में आओ ठीक है ऐप में आओ और ऐप में गुरु दक्षिणा दो और फिर जो है आप मेरे से फिजिक्स पढ़ो ठीक है ये है कितनी देर हुई सर क्लास स्टार्ट हुए नहीं बेटा बहुत देर हो गई अब तो आ, तेरे आते आते बहुत देर हो गई ठीक है भाई चलिए 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 सर ठीक है तो आज की क्लास का मैं यहीं पर समापन कर देता हूं अब अगली अगर इच्छा होगी तो देखेंगे अन्यता राधे हैं ठीक है क्लास को समाप्त करते हैं लाइक like, शेयर और कमेंट करना चाहो तो कर देना इस वीडियो के नीचे कैसा था सर मैं ऑलरेडी एक कोचिंग में एनरोल्ड हूँ वरना आ जाता नन बेटा देखो अगर ज्ञान मिल रहा हो और अच्छा मिल रहा हो और लग रहा हो कि हाँ बेहतर हम कर सकते हैं तो जी एस प्लेनेट जो है वो तो वैसे भी बहुत सस्ते कोर्स रखता है है ना चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जीएस प्लेनेट के कोर्स बहुत सस्ते होते हैं ऑफर भी चलते रहते हैं ठीक है तो उस ऑफर से जुड़ करके आप पढ़ सकते हो ऐसा नहीं है पाँच सौ सात सौ आठ सौ हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होते हैं नहीं कल नहीं कराऊंगा कल तो बेटा सीधे क्वेश्चनों पर आऊंगा अब सीधे है ना अब सीधे क्वेश्चन ही कराएंगे नहीं कराऊंगा इसको बच्चे कुचे को अब मैं ठीक है चलो तो आज की क्लास का अपन यही समापन करते हैं और इसके बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कैसी थी आज की क्लास बस इतना सा जरूर कर सको तो कर लेना और खत्म करते हैं इस क्लास को जय हिंद जय जै भारत